आज जितने भी विश्वास से आत्मा से भरकर नाचेंगे और आत्मा के आनंद से उस आत्मा की भरपूरी से भर जाएंगे, मेरा विश्वास वो सारे डिलीवर हो जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं अभी इसी वर्षित सॉन्ग में अपनी गवाही दूंगी? कितने विश्वास करते हैं कि उसने कहा आनंद करो, मैं फिर कहता हूं आनंद करो और किसी भी बात की चिंता, आज अपने हाथों को ऊपर करो सर की ओर, अपने फेस को भी ऊपर करो, ऊपर की ओर देखो, खुदा की ओर बोलो, परमेश्वर आज मैं अपने जीवन की सारी चिंता, अपने सारे दुख मुसीबतों को तेरे ऊपर डालती हूं, ऊपर डालती हूं। ऐसे हाथों को उठाकर, दोनों हाथों को उठाकर, यस खुदावन, यस मांगो, मेरा विश्वास है आज भी वर्शिप के दौरान, क्योंकि उसका वचन कहता आनंद करो और किसी भी बात की चिंता मत करो, अपने जीवन की सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है। जिस खुदा के पास आप आए हो उसकी हजूरी में, उसको आपका फिक्र है, और मेरा विश्वास है आप जैसे आए हो आप वैसे नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आमीन ऊंचा है, यस गाओ गाओ दिल से, भूल जाओ और मेरे पास कौन खड़ा है, भूल जाओ अपनी बीमारी को आज, भूल जाओ अपनी दर्द को, भूल जाओ मैंने कहा आज अपने घुटनों में टांगों में, और भूल जाओ खुशी से आनंद से, बॉडी बहुत ही ज्यादा दर्द करती थी, इनके नेल भी बहुत ही ज्यादा दर्द करते थे, जो अपना घर का काम भी नहीं कर सकते थे, ये बहुत ही तकलीफ में थे, और जैसे आज इन्होंने वर्शिप में आनंद किया, ये बहन बता रही कि अब इस प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री है, परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ, अब इनकी बॉडी में कोई भी दर्द नहीं है। तारीफ करते जाओ जोर से, जल्दी से बताते जाओ, रुकना नहीं आज, रुकना नहीं, जल्दी से जल्दी से। हालेलुया पास्टर, ये बहन बता रही कि स्कूल में ऐसे अपने डेस्क से गिर गए थे जिसकी वजह से इनकी लाख में ऐसे चोट लग गई थी, और इन्होंने पट्टियां भी कराई, तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी लाख के पीछे जोर आ गया है, जिसकी वजह से बहन बता रही कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी, मतलब कमर में पीछे पीछे कमर में है ना, कमर पे, तो ये बहन बता रही कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, ऐसी बहुत ही ज़्यादा मुझे दर्द होती थी, और जैसे आज मैंने वर्शिप में आनंद को महसूस किया, जो परमेश्वर के दास ने बोला कि परमेश्वर का मशा आज आपको छू रहा है, तो इन्होंने इस परफेटिक वर्ड को रिसीव किया। ये बहन बता रही कि जो इतने दिन से दर्द नहीं गई, वो आज जब परमेश्वर की ग्रेस ने मुझे छुआ, तो अब इस दर्द से झुको 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 दो तीन बार झुको, कोई बात नहीं झुको, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। सिस्टर बता रहे हैं कि इनके राइट साइड गुड में बहुत ज्यादा सुबह से दर्द हो रही थी, और जब बता रहे जैसे इन्होंने पूरे मन से वर्शिप को किया, और जब बता रहे कि अभी बिल्कुल प्रभु की ग्रेस ने को शुभा, कोई दर्द नहीं है, पूरी तरह से उस दर्द से परमेश्वर को फ्री कर दिया। तारीफ करते जाओ। प्रेरित जी जब बता रही है कि सुबह से कल से जो बता रही है कि इनके राइट साइड घुटने से ऊपर काफी दर्द हो रही थी, चलने में भी इनको काफी प्रॉब्लम थी, जो बता रही है कि जिसके कारण जब काफी परेशान थे, जो बता रही है कि जो चल भी नहीं पा रहे थे, और जो बता रहे जैसे अभी इन्होंने वर्षी में अपने मन को लगाया, और उससे समय प्रभु की ग्रेस। चलो 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 चलकर देखो, अभी अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तारीफ करते जाओ, धरते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट जल्दी से
नेस्ट 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 जल्दी से। जी जी बहन बता रहे हैं कि इनके भी लेफ्ट साइड गुट में काफी दिनों से दर्द थे जिसके कारण जी काफी परेशान थे। जी बता रहे जैसे इन्होंने भी वर्षी में अपना मन लगाया और जी बता रहे प्रभु की ग्रेस ने को शुभा भी बिल्कुल कोई दर्द नहीं, पूरी तरह से फ्री है। बता रहे कि जो इनके हस्बैंड से काफी परेशान है, जो बता रहे कि जो भी वो ड्रिंक करते हैं और भी कई प्रॉब्लम है इनके लाइफ में, और जो बता रहे कि आज इन्होंने वर्षी में अब मांगा है, जो बता रहे कि विश्वास करते कि वर्षी में जो ग्रेस परमेश्वर की उनको छू चुकी है, उनको बदल चुकी है, ऐसा जो विश्वास करते हैं। सुनो ये ऐसे लगता है ये गवाही नहीं कि इनके हस्बैंड नशा करते हैं और इन्होंने आज वर्षिप में आनंद किया है। सुनो क्या होता है कि जब कोई भी हालात है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर इंसान उस चीज से दुखी है तो वो एक बंधन में। बोलो क्या है वो, कितने मेरी बात समझ रहे हैं, वो एक बंधन में, क्योंकि आनंद एक ऐसी चीज है। जब पौलुस और सिलास लिखा बंदी गृह में थे, सांकलों से बेड़ियों से जकड़े हुए थे, लिखा बंदी गृह की दीवारें टूट गई, वो बेड़ियां वो सांकल सब टूट गए, किसकी सामर्थ्य, उसी आनंद से। बोलो क्या है इस चीज में, जब और आप बढ़ जाओगे ना, एक जमांद्रू लंगड़ा भी होगा ना, एक आनंद एक ऐसी चीज है वो भी दौड़ने लगेगा। सच्ची सुनो, अब यही आनंद, क्योंकि होता क्या है, शैतान इसी चीजों से वो उसका एक हथियार है, लोगों को चिंता देना, निराश करना, वो सोचे उस बात को लेकर परेशान हो ताकि मैं उनके जीवन में मुझे और मौका मिले। पर जो अपने महंगा में मांगा है मेरी बहन, इसी विश्वास में रहना, खुदावंत तुझे तेरे पति के साथ गवाही से खड़ा करे। सुबह से घर से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, इनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जैसे आज वर्शिप भी हो रही थी, वर्शिप में भी जो बहन बता रही कि मैं बहुत ही ज्यादा रो रही थी, और जैसे प्रभु के दास के मुख से ये परफेक्टिक वर्ड आया कि परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर चुके, तो इन्होंने इस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया। ये बहन बता रही कि मेरे मन में ऐसे आनंद जब वर्शिप में आया। खुदा आपके मन की गूढ़ बातों को भी जानता है, तारीफ करते जाओ। सिस्टर बता रही कि इनके लेफ्ट साइड टांग में बहुत ज्यादा, टांग से लेकर चूल्हे तक दर्द थे जिसके कारण जे बहुत परेशान थे। जो बता रहे जैसे उन्होंने वर्शिप की उसी समय प्रभु की सामर्थ्य इनको शुभा भी बिल्कुल कोई दर्द नहीं, पूरी तरह से फ्री हो चुके। तारीफ करते जाओ। बता रही कि आज सुबह से इन्हें बहुत ज्यादा फीवर था, ये इनकी पूरी बॉडी तप रही थी, और जैसे आज इन्होंने वर्शिप में आनंद किया उसी वर्शिप में परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ, अब ये फीवर से आजाद हो चुके हैं। तारीफ करो। ये बहन बता रही कि आज सुबह से इनको अपनी बॉडी में बहुत सा जकड़न सी फील हो रही थी, भारीपन था फील हो रहा था, और जैसे आज जब आपके मुंह से परफेक्टिक वर्ड है कि परमेश्वर आज आपको आजाद करेगा, ब्लेस करेगा, तो इन्होंने इस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया। ये बहन बता रही कि उसी दम मेरी बॉडी हल्की हो गई और मैं इस प्रॉब्लम से बिल्कुल फ्री हूँ। हालेलुया। तो प्रेरित जी जब बहन बता रहे कि सुबह से इनके पेट में बहुत दर्द थे, जी बता रहे जैसे इन्होंने वर्शिप की प्रभु के सामर्थ्य इनको सुबह भी बिल्कुल सर से फ्री हो चुके। हालेलुया। तो प्रेरित जी जो बता रहे हैं कि इनके बेटे को जो 10 साल का जो छोटे बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, वो 5 दिन हो गए इसके लेफ्ट साइड बाजू में लगा था, जिसके कान दर्द के कान इसकी बाजू ऊपर नहीं जा रही थी, और जैसे आज इन्होंने वर्शिप की प्रभु की ग्रेस ने को शुभा भी बिल्कुल वो दर्द से भी फ्री और बाजू भी ऊपर जा रही। अस्ताड़ियां रुकनी नहीं चाहिए, ये खुदा की महिमा के लिए। हालेलुया। पासी ये मैंने बता रही कि आज सुबह से घर से ऐसे आए थे कि इनके मन में बहुत ही परेशानी है, बहुत ही ऐसे कोई चिंता जी है, और जैसे आज इन्होंने वर्शिप में आनंद किया, ये विश्वास करते कि परमेश्वर मेरी हर चिंता उठा चुका है। क्या बताऊं मैं आपको अभी, हाँ बोलो क्या है, बस विश्वास और तैयारी में रहना और खुदावन को प्यार करना। बोलो क्या करना, खुदावन को प्यार करना, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम आने वाले दिनों में खुदावंद आपको वहां तक लेकर जाएगा जो आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं। अगर आमीन ऊंचा है तो ये सारी ब्लेसिंग आज आप ही की है। हालेलुया। तो प्रेरित जी जब बीजी बता रहे हैं कि इनकी आंखों में बहुत ज्यादा भारी पान था, और इनके पांव जो वो सुन रहते थे, और जब बता रहे कि आज इन्होंने वर्शिप की, और जब बता रहे प्रभु की सामर्थ्य इनको शुभा भी बिल्कुल आंखों के जो भी भारी पान था और पांव में जो पांव सुन हो जाते थे उससे परमेश्वर को फ्री कर दिया। हालेलुया।
हालेलुया पासे ये बहन बता रही कि इनके घर से इनके सिर में भी थोड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। जब सुबह यहाँ पर भी प्रार्थना हो रही थी, ये बहन बता रही कि एकदम इनके पेट में जलन सी उठी और ये बता रहे कि ये बहुत ही परेशान हो गए। और जैसे आज इन्होंने वर्षी में आनंद किया, परमेश्वर के द्वारा दी हुए प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, ये बहन बता रही कि अब इस प्रॉब्लम से जो टोटली आज़ाद है। हालेलुया। तो प्रेरित जी बहन बता रहे हैं कि इनके राइट टांग और राइट जो कि इनकी बाजू है उसमें बहुत ज़्यादा सुबह से दर्द हो रही थी, चार दिन से दर्द हो रही थी, जिसके कारण जी काफ़ी परेशान थे। और जैसे उन्होंने वर्शिप की उस समय प्रभु की ग्रेस ने इनको शुभा भी बिल्कुल उस तरह से फ्री हो चुके। तो प्रेरित जी चबी जी बता रहे हैं कि इनके सुबह से इनके ब्रेस्ट में इनकी छाती में दर्द हो रहे थे, जिसके कारण जो बता रहे जी काफ़ी परेशान थे। और जो बता रहे जैसे इन्होंने वर्शिप की प्रभु की ग्रेस ने इनको छुआ, अभी बिल्कुल उस तरह से फ्री हो चुके। ये बहन बता रही कि इनकी राइट हैंड में बहुत ही ज़्यादा दर्द थी और ये बहन बता रही कि इनसे झाड़ू भी नहीं फेरा जाता था, जिसकी वजह से बहुत ही परेशान थे। परमेश्वर की ग्रेस ने इनको छुआ है, इनके हाथ बिल्कुल काम रहे हैं और इस प्रॉब्लम से जी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। पकड़ो पकड़ो, ये एक ग्रेस है, ग्रेस है। यस। आमीन। तो प्रेरित जी जो सिस्टर बता रहे कि इनके पाँव में राइट साइड इनके पाँव में बहुत दर्द थी और जिसके कारण जो बता रहे काफ़ी परेशान थे, गले में भी दर्द थे, पानी भी नहीं बता रहे कि पी सकते थे। और जो बता रहे कि जैसे आज इन्होंने वर्शिप की और प्रभु की ग्रेस ने इनको शुभ भी बिल्कुल उस दर्द से फ्री हो चुके। क्या नहीं कर सकते थे? गले में दर्द थी जो बताते, जब पानी पीते तो उस समय भी काफ़ी दर्द थी। नहीं तो अब कोई दर्द नहीं है। तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से।